राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची मोदी सरकार, गैर विवादित जमीन लौटाने की अर्जी। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि अयोध्या में जो गैर विवादित स्थल है उसे राम जन्मभूमि न्यास को वापस सौंप दिया जाए। वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि जिस भूमि पर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट अपने पास रखे। वही सरकार की ओर से मंशा जाहिर की गई है कि गैर विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सौंपी जाए ताकि उस हिस्से पर निर्माण शुरू हो सके। वही हम आपको बता दें, आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी थी लेकिन जस्टिस बोबड़े के छुट्टी पर जाने की वजह से सुनवाई टल गई है। वही मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अयोध्या में हिंदू पक्षकारों को जो हिस्सा दिया गया है वो राम जन्मभूमि न्यास को दे दिया जाए जबकि 2.77 एकड़ भूमि का कुछ हिस्सा भारत सरकार को लौटा दिया जाए। वही गौरतलब है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के आसपास की करीब 70 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के पास है। इसमें से 2.77 एकड़ की जमीन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। वही जिस भूमि पर विवाद है वो जमीन 0.313 एकड़ की है। वही 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीन पर स्टे लगाया था और किसी भी तरह की एक्टिविटी करने से इनकार किया था। वही सरकार का कहना है कि इस जमीन को छोड़कर बाकी जमीन भारत सरकार को सौंप दी जाए। मोदी सरकार का कहना है कि जिस जमीन पर विवाद नहीं है उसे वापस सौंपा जाए।